में और हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी उन्होंने फिर से क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया है तो उसको इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तो अब सीधा वीडियो को शुरू कर लेते हैं सबसे पहले तो हम बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में यहां पर हम देख सकते हैं कि राइट right नाउ तो भैया जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं बिटकॉइन थर्टी के आसपास ट्रेड कर रहा है कल हमने डिस्कस करा था कि भैया इनफ्लो का डेटा आ रहा है तो ये जो सपोर्ट अभी आपको देखने को मिल रहा है ये ज्यादा देर तक इसको नहीं बचा पाएंगे और बिटकॉइन में भी हमें 33,000 तक भी देखने को मिल सकता है और जो कि हम देख ही रहे हैं कि बिटकॉइन जब से इस ट्रेड लाइन को जो कि वीकली टाइम फ्रेम की काफी इंपॉर्टेंट बॉटम ट्रेड लाइन थी इसको ब्रेक कर दिया है और यहां तक मैं आपको कहूंगा कि अगर थर्टी तक भी आ जाए और यहां से अगर थोड़ा ये रिवर्सल कर ले बिटकॉइन और थोड़ा इस चैनल के अंदर वापस आने की कोशिश

एक बात मैं अपने दिल पे हाथ रख के आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाया है वो वही वो लोग थे इंटरेस्ट है, है, रेट हाइक करने वाली बात हो अभी देखो यूके ने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाई है हमारी इंडियन रेपो रेट की बात करें तो वो भी फोर्टी बेसिस पॉइंट पर बढ़ाई जा रही है तो कुल मिला बात यह है कि दुनिया में अभी रिसेशन आने की उम्मीद है और ये जो

ये सब कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता है तो कुल मिला के बात ये है मतलब की होल्ड रखना है बेचना भी कुछ नहीं है ओके चाहे आपको इस साल प्रॉफिट ना हो लेकिन आगे आने वाले एक दो सालों में क्या आपको रिटर्न मिल सकता है वो मुझे तो समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज आपको ऑलरेडी पता है ओके आप इतने भी नादान नहीं हो कि आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंडियन क्रिप्टो मार्केट से आने वाली एक काफी इंपोर्टेंट अपडेट के बारे में निर्मला सीतारमन जी ने अगेन क्रिप्टो को लेकर ब्लॉकचेन को लेकर एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है और इस स्टेटमेंट से जितना मुझे समझ में आ रहा है वो ब्लॉकचेन को और क्रिप्टो करेंसी को दो अलग नजरिए से देखती है उनका मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो काफी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है काफी टेक्नोलॉजी है लेकिन जिस तरीके से क्रिप्टो करेंसी का यूज बढ़ रहा है जिस तरीके से इसका यूज किया जाता है वो एक इनहेरेंट रिस्क हो सकता है और जहां तक मुझे लगता है कि ब्लॉक का ईजाद ही क्रिप्टो करेंसी को लाने के लिए किया गया था तो इनको दो अलग अलग चीजों की तरह देखना यह गलत होगा साथ ही इन्होंने सीबीडीसी को लेकर भी कहा कि भैया हमारी जो सीबीडीसी है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी वो जल्दी आने वाली है मतलब वही स्टेटमेंट जो उन्होंने पहले भी दिए थे वही उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में धोरा दिए इसके अलावा कुछ दिनों पहले जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्टैंडिंग कमेटी थी उन्होंने क्रिप्टो इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर्स के साथ में जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ मीटिंग करी थी और फिर जो चर्चा हुई थी उसमें बेसिकली क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर हुई थी कि, कि किस तरीके से क्रिप्टो रेगुलेशन लाया जा सकता है और क्रिप्टो का जो मनी लॉन्ड्रिंग में टेरर uh, फंडिंग में यूज किया जा रहा है उसको हम किस तरीके से रोके तो जहां तक मुझे लगता है कि सरकार एक ही बात को बार बार घुमा रही है यह चीज उन्होंने पहले भी डिस्कशन करी थी जब पहली मीटिंग हुई थी स्टेक होल्डर्स के साथ में तब भी यही तो पिक था कि भैया किस तरीके से क्रिप्टो रेगुलेशन लाया जाएगा लेकिन उस समय भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इस मीटिंग से भी कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आया और इसी तरीके से अगर ये सिर्फ मीटिंग होती रही कोई कंक्लूजन हमें देखने को नहीं मिला तो इंडिया में क्रिप्टो की ग्रोथ काफी धीमी होगी तो ये एक अपडेट थी कि निर्मला सीतारमन जी ने ब्लॉक टेक्नोलॉजी को ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी कहा साथ ही इससे जुड़े हुए जो इनहेरेंट रिस्क है उसके बारे में भी हमें बताया ओके नेक्स्ट अपडेट के ऊपर बात करें तो इंस्टाग्राम विल सून सपोर्ट इथीरियम सोलाना एंड पोलिगोन एनएफ्टी एन ऑन इट्स प्लेटफॉर्म बोले तो जो इंस्टाग्राम है वो जल्द ही जो पॉलीगोन बेस्ड सोलाना बेस और इथीरियम बेस्ड जो एनएफी होगी उनको अपने प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट

फाउंडर बिली मार्कस, उनको ट्विटर पर फॉलो किया है और यहां पर यह बताया गया है इज समथिंग कुकिंग यानी कि इनके मन में कुछ चल रहा है तो देखो मैंने पहले भी कुछ रिपोर्ट्स देखी है लाइक like, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो विल जेफ बेजोस इन्वेस्ट इन डॉच को एक्सपर्ट एक्सप्लेन वुड डिड कि अगर जेप बेजोस डॉचकोइन में इन्वेस्ट करते और अभी आप देख सकते हो कि डॉजकॉइन की हालत बद बत से बदतर हो चुकी है आज से ठीक एक साल पहले इसने पचास रुपए से भी ज्यादा की प्राइस को टच किया था लेकिन आज आप हालत देख ही सकते हो डॉचकोइन की लेकिन दुनिया के सबसे अमीर इंसानों की गिनती में अमेजोन के जेफ बेजोस का नाम आता है और अगर ये बिली मार्कस को फॉलो कर रहे हैं तो मे भी कुछ इनको इंटरेस्ट क्रिप्टो या फिर डॉचकॉइन में आ रहा है तो कहीं ना कहीं थोड़ा इससे डॉज के होल्डर्स को पॉजिटिविटी मिलेगी कि मैं भी आज नहीं तो कल एमेजोन के जेफ बेजोस